Hey guys, this is Ankit and I welcome you on the channel. तो the Falcon and the Winter Soldier series से पहले बात कर लेते बकी और सैम विल्सन के अब तक के स्टोरी के बारे में। सर्जेंट जेम्स बॉन्स यानी बकी यानी विंटर सोल्जर को पहली बार कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर में देखा गया था, जहां वो अपने दोस्त स्टीव रॉजर्स यानी कैप्टन अमेरिका से कहता है कि वो 107th बटालियन से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए इंग्लैंड में उसकी पोस्टिंग हुई है। स्टीव रॉजर्स के कैप्टन अमेरिका बनने के बाद उसे एज अ सोशल फिगर की तरह यूज किया जा रहा था और उसके परफॉर्मेंसेस से वॉर कैंपेन के लिए पैसा इकट्ठे किए जा रहे थे। और इसी तरह अपने सोल्जर्स का हौसला बढ़ाने के लिए कैप्टन ओवरसीज पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि ये 107th बटालियन है जहां बकी की पोस्टिंग हुई थी। हाइड्रा के लीडर जोहान स्मिथ यानी रेड स्कल के फोर्स ने 107th के बहुत से सोल्जर्स को या तो मार दिया था या कैप्चर कर लिया था, और कैप्टन बकी और बाकी के सोल्जर्स की तलाश में हाइड्रा के अड्डे पे पहुंचता है, जहां वो बकी को ढूंढ लेता है और बकी के साथ बाकी के सोल्जर्स को भी आजाद करवाता है। कैप्टन को हाइड्रा के प्लान के बारे में पता चल जाता है और हाइड्रा को रोकने के लिए बकी और कुछ सोल्जर्स के साथ एक टीम बनाता है। कैप्टन को पता चलता है कि हाइड्रा का साइंटिस्ट डॉक्टर जोला ट्रेन से कहीं जा रहा होता है, और डॉक्टर जोला को पकड़ने के लिए कैप्टन और बकी उस ट्रेन में पहुंचते हैं, जहां कैप्टन डॉक्टर जोला को पकड़ने में कामयाब तो हो जाता है, पर हमले में बकी ट्रेन से गिर जाता है और कैप्टन को ऐसा लगता है कि बकी की डेथ हो गई है। सैम विल्सन यानी फैल्कन को पहली बार कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में दिखाया गया था। कैप्टन जब जॉगिंग कर रहा होता है तो उसकी मुलाकात सैम विल्सन से होती है, जहां दोनों अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। सैम बताता है कि वो 58th पैरा रेस्क्यू यूनिट में था और अभी वो एज अ काउंसलर वेटरन्स के साथ काम कर रहा है। कैप्टन सैम से मिलने उसके प्रोग्राम में पहुंचता है, जहां सैम अपने दोस्त और विंगमैन राइली के बारे में बताता है, जिसकी मिशन में डेथ हो गई थी। बकी जो 1945 में मिशन के दौरान ट्रेन से गिर गया था, उसे हाइड्रा के लोगों ने कैप्चर कर लिया था और उस पर एक्सपेरिमेंट कर उसका माइंड वॉश कर दिया जाता है और उसे नए वेपन्स के साथ इक्विप्ड कर उसे हाइड्रा के सोल्जर में तब्दील कर देते हैं और उसे विंटर सोल्जर के नाम से अपने सारे सीक्रेट मिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। निक फ्यूरी को अंदेशा हो गया था कि शील्ड में हाइड्रा के लोग मिले हुए हैं और फ्यूरी को ठिकाने लगाने के लिए विंटर सोल्जर फ्यूरी पर अटैक करता है, पर वो वहां से बचकर निकल जाता है और कैप्टन के अपार्टमेंट में पहुंचता है और उसे एक पेन ड्राइव देता है, पर तभी विंटर सोल्जर वहां भी पहुंच जाता है और फ्यूरी पे गोलियां चलाता है। कैप्टन विंटर सोल्जर का पीछा करता है पर वो बचकर निकल जाता है। नताशा पेन ड्राइव से इन्फॉर्मेशन को डिक्रिप्ट कर न्यू जर्सी के एक बंकर का पता लगाती है और कैप्टन और नताशा दोनों वहां पहुंचते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि कैसे हाइड्रा ने शील्ड पे अपनी पकड़ बना ली है, और तभी शील्ड कैप्टन और नताशा को मारने के लिए उस बंकर पे मिसाइल फायर कर देते हैं, पर दोनों बच जाते हैं और सैम के घर पहुंचते हैं। और सैम कैप्टन के मिशन में शामिल होना चाहता है और अपना रेज्यूमे देता है कि वो 107 फैल्कन का पायलट था। कैप्टन और नताशा फिर फैल्कन के सूट को रिकवर करते हैं, और जब कैप्टन जैस्पर सीटवेल को इंटरोगेट करता है, तब हम पहली बार सैम को फैल्कन के सूट में देखते हैं। जैस्पर सीटवेल कैप्टन को हाइड्रा के पूरे प्लान के बारे में बताता है कि शील्ड के इनसाइड हेलीकैरियर की मदद से जो भी हाइड्रा के लिए खतरा होगा उसे रास्ते से हटा दिया जाएगा, और इन हेलीकैरियर्स की मदद से एक बार में लाखों लोगों को मारा जा सकता है। ये लोग जैस्पर को लेकर जा रहे होते हैं कि तभी विंटर सोल्जर जैस्पर को गाड़ी से निकालकर फेंक देता है और कैप्टन नताशा और फैल्कन पर अटैक करता है। यहाँ इन लोगों के बीच गजब का फाइट सीक्वेंस दिखाया जाता है, जहाँ कैप्टन को पता चलता है कि विंटर सोल्जर और कोई नहीं बल्कि उसका दोस्त बकी है। विंटर सोल्जर जब हाइड्रा के कैंप में पहुंचता है तो वो कहता है कि वो कैप्टन को पहचानता है, पर कैसे वो इसे नहीं पता, और हाइड्रा के लोग उसकी इस मेमोरी को मिटा देते हैं। कैप्टन और सैम हाइड्रा के हेलीकैरियर्स को रोकने पहुंचते हैं, जहां विंटर सोल्जर भी आया होता है। विंटर सोल्जर फैल्कन के एक विंग को तोड़कर उसे हेलीकैरियर से नीचे फेंक देता है, जिसके बाद फैल्कन पैराशूट का इस्तेमाल कर लैंड करता है। कैप्टन और विंटर सोल्जर फिर एक बार आमने सामने होते हैं और दोनों के बीच बेहतरीन फाइट सीक्वेंस दिखाया जाता है, और विंटर सोल्जर को रोकने के बाद कैप्टन हाइड्रा के प्लान को रोकने में कामयाब हो जाता है। विंटर सोल्जर को पिलर में दबा हुआ देख कैप्टन उसकी मदद करता है, जिसके बाद विंटर सोल्जर कैप्टन पे अटैक कर देता है। कैप्टन कहता है कि वो फाइट बैक नहीं करेगा क्योंकि वो उसका दोस्त है, पर विंटर सोल्जर कहता है कि कैप्टन उसका मिशन है और कंटिन्यूअसली उस पर अटैक करता है, जिसके बाद कैप्टन हेलीकैरियर से गिर जाता है और डूबने ही वाला होता है कि तभी विंटर सोल्जर उसे बचा लेता है और अपने रास्ते चला जाता है। मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि कैप्टन और सैम बकी की तलाश में निकल पड़ते हैं, और मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि विंटर सोल्जर बकी मेमोरियल के पास खड़ा हुआ अपने आप को देखता है और उसे पता चलता है कि कभी कैप्टन और वो दोस्त हुआ करते थे। सैम को फिर अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में दिखाया जाता है, जब उसे वॉर मशीन वांडा और विजन के साथ एज न्यू अवेंजर्स रिक्रूट किया जाता है। फिर एंट मैन में हैंक पिम एंट मैन को स्टार्क इंडस्ट्रीज के वेयर हाउस से एक डिवाइस लाने के लिए कहता है, मगर वेयर हाउस अब न्यू अवेंजर्स फैसिलिटी में तब्दील हो चुका है और एंट मैन की मुलाकात सैम से होती है, और उस समय तक सैम को एंट मैन के बारे में कोई जानकारी नहीं होती और सैम एंट मैन को रोकता है, पर एंट मैन सैम को चकमा देकर वो डिवाइस चुरा लेता है।
फैल्कन और विंटर सोल्जर को फिर कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में दिखाया जाता है, जहां मूवी की शुरुआत 1991 में साइबेरिया के हाइड्रा के बेस से होती है, जो विंटर सोल्जर हाइड्रा के कब्जे में था और हाइड्रा का पूरी तरह से विंटर सोल्जर पे कंट्रोल था। आगे हमें दिखाया जाता है कि हाइड्रा का एक एजेंट एक सीक्रेट बुक से कुछ ट्रिगर्ड वर्ड्स यूज करता है, जिसके बाद विंटर सोल्जर ट्रिगर्ड हो जाता है और इसी तरह से उसे मिशन के लिए तैयार किया जाता है। विंटर सोल्जर को फिर एक मिशन में भेजा जाता है, जहां उसे एक सीरम को चुराना है। विंटर सोल्जर एक कार का एक्सीडेंट कर उस कार से सीरम को चुरा लेता है और उस कार में टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन के मॉम एंड डैड थे और विंटर सोल्जर दोनों को मार देता है। आगे प्रेजेंट समय में जीमो को इंट्रोड्यूस किया जाता है और वो उस हाइड्रा के एजेंट से मिलने पहुंचता है, जिसने 1991 में विंटर सोल्जर को उस सीक्रेट बुक से इंस्ट्रक्शन दिए थे, और जीमो वहां से वो सीक्रेट बुक ले लेता है और उस एजेंट को इंटरोगेट कर मिशन रिपोर्ट दिसंबर 16, 1991 के बारे में पूछता है, पर हाइड्रा का एजेंट उसे कुछ नहीं बताता। अल्ट्रॉन और एवेंजर्स के बीच सोकोविया में हुए फाइट में जीमो की पूरी फैमिली की डेथ हो जाती है और अब जीमो एवेंजर्स से बदला लेना चाहता है। आगे हम देखते हैं कि वियना में अकॉर्ड्स को लेकर मीटिंग होने वाले हैं, जहां टीचाला यानी ब्लैक पैंथर के पिता टीचाका भी आए हुए थे, पर तभी मीटिंग में बॉम्ब ब्लास्ट होता है और टीचाका की मौत हो जाती है। न्यूज में ऐसा दिखाया जाता है कि उस बॉम्ब ब्लास्ट को विंटर सोल्जर ने करवाया था, पर यह सारा कुछ जीमो का किया धरा था। पूरी फोर्स विंटर सोल्जर के पीछे लग जाती है और उस पर शूट एट साइट का ऑर्डर है, और कैप्टन और फैल्कन भी विंटर सोल्जर की तलाश में है। बकी बुकारेस्ट में था जब उसे पता चलता है कि वियना में हुए ब्लास्ट में उसे फंसाया जा रहा है। कैप्टन बकी से मिलने पहुंचता है, जहां बकी कैप्टन से कहता है कि उसने वियना में ब्लास्ट नहीं किया था, और तभी सिक्योरिटी फोर्सेस बकी पे हमला कर देते हैं और कैप्टन और सैम बकी को बचाते हैं। बकी बच के भाग ही रहा होता है कि तभी ब्लैक पैंथर उस पे हमला कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि विंटर सोल्जर ने उसके पिता को मारा है। यहां एक धमाकेदार फाइट सीक्वेंस दिखाया जाता है और आखिरकार सिक्योरिटी फोर्सेस बकी को अरेस्ट कर लेते हैं। बकी के साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन के लिए जीमो एज अ यूनाइटेड नेशन ऑफिसर बनकर पहुंचता है, जहां वो बकी के सामने वो ट्रिगर्ड वर्ड्स फिर से दोहराता है और उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है और उससे मिशन रिपोर्ट दिसंबर 16, 1991 के बारे में पूछता है। बकी फिर कस्टडी से भाग निकलता है और अवेंजर्स की टीम उसे रोकने में नाकामयाब होते हैं। फिर वो हेलीकॉप्टर सीन दिखाया जाता है, जहां कैप्टन हेलीकॉप्टर को उड़ने से रोकता है और हेलीकॉप्टर पानी में गिर जाता है, जिसके बाद कैप्टन बकी को अपने साथ ले जाता है। बकी कैप्टन से कहता है कि हाइड्रा के एक्सपेरिमेंट की वजह से जब भी वो ट्रिगर्ड वर्ड्स दोहराए जाते हैं, वो खुद पे अपना कंट्रोल खो देता है, और वो ये भी बताता है कि जीमो उसे साइबेरिया के बारे में जानना चाहता था, क्योंकि वो अकेला विंटर सोल्जर नहीं है और बाकी के विंटर सोल्जर साइबेरिया में है और जीमो साइबेरिया के लिए निकल चुका है। बकी ने 1991 में जो सीरम चुराया था, उसकी मदद से और भी विंटर सोल्जर बनाए गए हैं और ये सोल्जर्स बकी से भी ज्यादा पावरफुल है। कैप्टन और बकी जीमो को रोकने के लिए साइबेरिया जाने वाले हैं, लेकिन कैप्टन की टीम को आयरन मैन की टीम का सामना करना पड़ता है, और यहाँ हमें वन ऑफ द क्रेजी फाइट सीक्वेंसेस देखने को मिलता है, और कैप्टन और बकी साइबेरिया के लिए निकलते हैं, वही कैप्टन के बाकी के टीम मेंबर्स को हिरासत में ले लिया जाता है। टोनी को पता चल जाता है कि ये सब कुछ जीमो ने किया है, और टोनी सैम से मिलने पहुंचता है, जहां सैम टोनी को बताता है कि कैप्टन और बकी साइबेरिया में है, और टोनी भी साइबेरिया के लिए निकलता है और ब्लैक पैंथर टोनी का पीछा करता है। आखिरकार कैप्टन और बकी साइबेरिया पहुंचते हैं और टोनी भी साइबेरिया पहुंचता है। जीमो साइबेरिया के सारे विंटर सोल्जर्स को मार देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि और भी विंटर सोल्जर्स हो, बल्कि जीमो का प्लान अवेंजर्स को आपस में लड़वाना था। वो दिसंबर 16, 1991 की रिकॉर्डिंग चलाता है, जब बकी ने टोनी स्टार्क के मॉम एंड डैड को मारा था, और ये बात कैप्टन को पता थी और उसने टोनी को इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। टोनी बहुत गुस्सा हो जाता है और वो बकी को मारना चाहता है, पर कैप्टन टोनी को समझाता है कि बकी हाइड्रा के कंट्रोल में था और बकी को बचाता है, पर तभी टोनी बकी और कैप्टन के बीच फाइट होती है, और ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट फाइट सीक्वेंसेस में से एक है, जहां टोनी के आर्क रिएक्टर से बकी का मेटल हैंड उखड़ जाता है, वहीं कैप्टन टोनी का आर्क रिएक्टर तोड़ देता है, जिसके बाद कैप्टन बकी को लेकर वहां से चला जाता है। जीमो का ऐसा लगता है कि टोनी और कैप्टन को आपस में लड़वा कर उसने अपना मकसद पूरा कर लिया है, और वो खुद को मारने वाला होता है कि तभी ब्लैक पैंथर वहां पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है, और जीमो को शील्ड के गिरफ्त में भेज दिया जाता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि कैप्टन सैम और बाकी के अवेंजर्स को प्रिजन से बाहर निकालता है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि कैप्टन बकी को लेकर वाकांडा जाता है, जहां साइंटिस्ट उसे क्रायोजेनिक स्लीप में डाल देते हैं, ताकि उसकी बॉडी में हाइड्रा ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसे हटाया जा सके। बकी को फिर ब्लैक पैंथर मूवी के एंड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है, जहां वो वकांडा के एक कबीले में रह रहा है और उसे वहां व्हाइट वुल्फ के नाम से जाना जाता है। सैम को फिर हम अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में देखते हैं, जब थैनोस की आर्मी से प्रॉक्सिमा मिडनाइट और कॉर्वस ग्लिफ विजन के माइंड स्टोन को लेने पहुंचते हैं, और कैप्टन सैम और नताशा विजन को प्रोटेक्ट करते हैं। विजन के सर से माइंड स्टोन निकालने और उसे जिंदा रखने के लिए कैप्टन अपने पल्टन के साथ वकांडा पहुंचता है, जहां हम ये भी देखते हैं कि टीचाला बकी को नया मेटल आर्म देता है। माइंड स्टोन को लेने के लिए थैनोस की आर्मी वकांडा पे अटैक कर देती है,
और सैम और बकी बाकी के एवेंजर्स और वाकांडा वासियों के साथ थैनोस की आर्मी का सामना करते हैं। आखिरकार थैनोस वाकांडा पहुंचकर माइंड स्टोन अपने कब्जे में कर लेता है और उसके स्नैप के साथ आधी पॉपुलेशन एलिमिनेट हो जाती है, जिसमें सैम और बकी भी शामिल थे। अवेंजर्स एंड गेम में प्रोफेसर हल के रिवर्स स्नैप से सारे एलिमिनेट हुए लोग दोबारा से वापस आ जाते हैं, पर थैनोस भी पास्ट से फ्यूचर में पहुंचता है और इस बार वो पूरे प्लेनेट को ही डिस्ट्रॉय करने वाला है। सैम और बकी बाकी के अवेंजर्स के साथ थैनोस और उसकी आर्मी का सामना करते हैं और टोनी के स्नैप से थैनोस और उसकी पूरी आर्मी एलिमिनेट हो जाती है और टोनी की भी डेथ हो जाती है। कैप्टन बकी को अलविदा करने के बाद सारे स्टोन्स को एग्जैक्ट मोमेंट में रिटर्न करने चला जाता है जहां से उन स्टोन्स को उठाया गया था, और फिर 1945 में पेगी के साथ अपनी जिंदगी बिताता है और जब वो वापस आता है तो अपना शील्ड सैम को दे देता है। तो ये थी सैम और बकी की कहानी बिफोर द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आगे आने वाले वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।